हमारे जो अतिथि और सामान्य सज्जन आए हुए हैं, देवियों और कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, आप सभी का हम एनएलसी इंडिया के तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये जो संयुक्त उद्यम है एनयूपीपीएल एनएलसी यूपी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये बेसिकली हमारे सहभागिता से जो ऊपरवन है उसकी सहभागिता से हम लोग कर रहे हैं। ये परियोजना की परिकल्पना की गई थी सन 2010 में, लेकिन वो एक सपना था और सपना पूरा होने में काफी समय लगा। एक सांकेतिक रूप में इसे शिलान्यास भी हुआ था 2012 में, लेकिन उसके बाद रियली जो बोलते हैं कि कोई कामकाज शुरू नहीं हुआ था। और अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों ये पहल हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री उनके सहयोग से कैबिनेट अप्रूवल पीआईपी अप्रूवल हम लोगों को मिलने के बाद ये शायद पहली कंपनी है कि हमें पीआईपी का अप्रूवल मिला और उसके 7 दिन के अंदर हम मेन प्लांट पैकेज अवार्ड कर पाए। ये जो परियोजना यहाँ होने जा रही है ये मूलतः यूपी के जनता को बिजली प्रदान करेगी और इसके लिए हमारे कोयला मंत्रालय हमें एक डेडिकेटेड माइन भी दिया है जो कि झारखंड में है, दूर से कोयले की ढुलाई करनी होगी। और हम उम्मीद करते हैं हमारा जो लक्ष्य है समय से पहले हम लोग पूरा कर लेंगे। और हमारा जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाना, उसमें हम सतत भागीदारी है। हमारी कंपनी जो एनर्जी इंडिया है पिछले 6 दशक से देश के विकास में योगदान देती आ रही है और अभी हमारा जो गठबंधन हुआ है ऊपरवन के साथ ये बिल्कुल सकारात्मक सिद्ध होगा। और इस कड़ी में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा देश जो कि गांवों में बसता है, हमारा माननीय मंत्री जी का लक्ष्य है कि हर घर में बिजली हो और उसी तहत बहुत सारे जो सशक्तिकरण योजना, ग्रामीण विद्युतकरण योजना वो सब आगे चल रहा है। और आज इस समारोह में ना कि सिर्फ हमारा ये एनयूपीपीएल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भूमि पूजन जस्ट हुआ हमारे माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी माननीय सांसद के द्वारा, और अभी इसका हम लोग एक फॉर्मल ये भी करने जा रहे हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतकरण योजना उसका भी यहाँ एक उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। और हम चाहते हैं कि जो सहयोग आप लोगों से मिला है यहाँ के विधायक यहाँ के सांसद, हमेशा मैं जब भी मिला हूँ उन लोगों से बहुत ही उत्साह मिला है, बहुत ही प्रोत्साहन मिला है और हम उसी सहारे आप लोगों के सहारे इस परियोजना को आगे ले जाएंगे। और हमारा माननीय मंत्री जी का जो हम लोग ऊपर विश्वास है हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे और देश का प्रगति में हम आगे बढ़ के साथ निभाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं और एक बार हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल साहब जो कि हमेशा हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत रहे हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में खनन के क्षेत्र में देश में नया आयाम लाए हैं, तो आज उनकी उपस्थिति के लिए यहाँ हम उनको स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ में महानुभव हमारे डॉक्टर जोशी जी और माननीय निरंजन ज्योति जी, शैलेंद्र यादव जी, देवेंद्र सिंह जी और इंद्रजीत कोहली जी और बाकी सारे विधायक और सांसद जो हमारे बीच उपस्थित है और आप लोग जो उपस्थित है आप लोगों को एक बार अभिनंदन करते हुए हम तहे दिल से और एक बार आपका इस समारोह में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।